इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अल्मीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अल्मीरा। यहाँ पे हम आए हैं कप्तान साहब के पास पेश होने। हमको 2.5-3 महीने से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, एडिशनल साहब, एसओ साहब मिलके बिल्कुल परेशान कर रखे हैं। एडिशनल साहब के पास हम 25/11 में गए थे छुट्टी लेने। मेरी छुट्टी हमने जब भी दी, एडिशनल साहब ने कभी मेरी छुट्टी नहीं की। मेरे साथ में दूसरे सब इंस्पेक्टर की हो जाती है, हम जब भी देते हैं मना कर देते हैं। फिर हम आवास पे गए, जब आवास पे गए तो हमसे कहने लगे मैं छुट्टी नहीं करता, जो करना है कर लो। तो हमने कहा सर कर दीजिए, बहुत दिक्कत है। तो कहने लगे जाओ मर जाओ, छुट्टी तो नहीं करूंगा। तो हमने कहा सर बच्चे मेरे आप पालोगे, जब हम पूछ ले तो हमको बैड एंट्री दे रहे। उसके बाद से तब से पीछे लगे रहे, मेरा ट्रांसफर करवा दिया फुर्सतगंज, हम फुर्सतगंज चले गए। फुर्सतगंज में हमको 6 महीने नहीं हुए, एसओ से मिलके मेरे खिलाफ ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला। बिना बेस के मेरा ट्रांसफर फिर फुर्सत महिला थाने कर दिए। एसओ साहब गाड़ी चलवाए, गाड़ी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, गाड़ी में 8-8 जानवर लदे हैं। हमने रोकी, एसओ साहब ने कहा इसको छोड़ दो। ड्राइवर ने कहा कि एसओ साहब पैसा लेते हैं, हमने दिए हैं, इसको छोड़ दो। हमने छोड़ दी। हमने कहा मेरे सामने अगर हम चेकिंग पे हैं, मेरे सामने ऐसे ना बैठे। तब से एसओ साहब मेरी ड्यूटी थाने के अंदर ही, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, कोई हमसे मिल नहीं सकता है। 3.5 महीना मेरी बैरियर ड्यूटी एडिशनल साहब के यहाँ से लगी। कहाँ खैरहना बॉर्डर, जहाँ पे कोई आल यूपी में किसी महिला ने किसी गांव में जाके अकेले बॉर्डर ड्यूटी नहीं की होगी, लेकिन मेरी लगी और हमने की ड्यूटी करने में कोई दिक्कत नहीं। आज हम आए हैं ऐसे चमचाई करके, नौकरी मेरे बस की ना है, आए रिजाइन देंगे, बहुत है कमाने। इतना बिल्कुल त्रस्त कर रखे हैं, जब छुट्टी भेजो नहीं है, जाओ मर जाओ, जो करना है कर लो, ये तरीका है बात करने का। एक सब इंस्पेक्टर है, किसी प्रधान के कहने से आप मेरा ट्रांसफर कर दे रहे हो। हमको मेरी गलती तो पता होनी चाहिए ना कि हमने गलती क्या है। तो क्या करेंगे आज आप? रिजाइन देंगे भैया, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं है। हम उस टाइप के नहीं है कि हम चले वहाँ एक दरवाला आदमी ने कह दिया और 4 जगह कहता है देखो हमने भगा दिया। 15 दिन पहले से हमको पता था कि ये लोग हमको हटवाएंगे, और उसने हमसे कहा भी था कि आपको रहने नहीं देंगे। बात ट्रांसफर की नहीं है, हमने घर छोड़ा है नौकरी के लिए ही छोड़ा है, आप हमको कहीं भेज दीजिए, लेकिन किसी आदमी के कहने से आप भेज दें, ये बहुत बेइज्जती वाली बात। तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।